हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये फोन जो है एमआई का 4X है, एमआई 4 है, और इस ये जो है हल्का फुल्का इसमें नमी है, तो इसको हमने जो है खोल लिया है, तो इसके वजह से ये फोन जो है ऑन नहीं हो रहा है। इसको हम लोग पहले चार्ज में लगा के चेक कर लेते हैं। चार्जिंग शो कर रहा है और इसको ऑन करने के बाद जो है देखिए ऐसे ही MI लिख के, और बूट कहने का मतलब बूट नहीं ले रहा है, बूट नहीं हो रहा है फोन। और इसमें जो है इसको हमने थोड़ा सा साफ कर लिया है। अभी ये जो सारा दिख रहा है ये सारा इसमें जो है हल्का हल्का नमी था, तो इसको हमने ब्रश से साफ कर लिया है। वो वीडियो में आपको नहीं दिख पा रहा है, तो इसके वजह से जो है ये बूट नहीं ले रहा है। तो चलिए हम इसको जो है थोड़ा सा रीहीट करके देखते हैं बोर्ड को, इसके मदरबोर्ड को जो है रीहीट करके देखते हैं क्या सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ तक जो है कि पानी चला गया था। देखिए ये हमारा CPU IC है दोनों, और ये हमारा पावर IC है। ये जो है चार्जिंग IC के आसपास भी ये जो है पानी गया हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा हीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स बोर्ड हमारा जो है ठंडा हो गया है, अब इसको हम जो है लगा के चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये बोर्ड लगा चुके हैं इसमें, अब इसको ऑन करके चेक कर लिया जाए ताकि ये हीट करने के बाद जो है सही हुआ या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स, ये फ़ोन हमारा जो है ऑन हो, और इसका टच भी टूटा हुआ है, तो इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। वैसे फ़ोन जो है फ़ोन में नमी थी, इसकी वजह से फ़ोन बूट नहीं ले रहा था, और हीट करने के बाद जो है ऑन हो चुका है। आप देख ही सकते हैं कहीं कहीं काम कर रहा है टच, लेकिन पूरी तरीके से नहीं काम कर रहा है। तो इसमें जो है फोल्डर लगेगा तभी जो है ये प्रॉपर वर्क कर पाएगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि मैं जो आपको समझाना चाहता था वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप
कि फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखने के लिए।